हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे मसाला चाय। जो सर्दियों का मौसम आ चुका है और हर घर में मसाला चाय बन रही होगी, लेकिन हर किसी के अलग अलग तरीका होता है, तो हम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अच्छे से मसाला चाय बनाएंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक्स, ये पैन को हम गैस पर रख देंगे। पहले हम पानी को उबालेंगे। सभी एक साथ में नहीं डाल देना है। कई लोग क्या करते हैं, पानी दूध सभी मसाला साथ में डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो पहले पैन में हम पानी डालेंगे। यहाँ से 4 से 5 कप पानी चाय बना रही हूँ, तो इस हिसाब से आप मेजरमेंट में लूँगी। तो 3 कप में अभी पैन में पानी डाल रही हूँ और पानी को हम एक उबाल आने देंगे। तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी इलायची ली है, तो इसको हम कूट लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कूट लेंगे। इस कूटने से क्या होता है कि चाय में उसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ये अच्छा आता है। तो पहले हम इसे कूट कर साइड में रख देंगे। सारे मसाला को हम कूट कर ही लेंगे। अगर आप चाहे तो पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर से अच्छा है कि कूटने से उसका टेस्ट और फ्लेवर एनहांस अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच इतना जिंजर लिया है, अदरक लिया है, उसे भी हम कूट लेंगे। तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, कोई लोग पेस्ट भी डालते हैं, लेकिन ग्रेट करने से क्या होता है उसका जो रस होता है ना वो ज़्यादा आ जाता है। जैसे चाय पकती है वो कड़वा लगता है, चाय ज़्यादा पकेंगी तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, इससे कूटने से डालना चाहिए। यहाँ पे पानी उबलने लगा है, मैंने 3 से 4 लौंग एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है और जो हमने कुटी हुई इलायची रखी थी वही डाल दी है। सारे मसाले को हम 2 मिनट तक ऐसे ही उबलने देंगे, जैसे कि उसका टेस्ट इसके अंदर इन्हेंस हो जाए। पानी का कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। फिर हम उसके अंदर जो हमारा अदरक हमने कुटा हुआ रखा था वही डाल देते हैं। तो पहले आपको ध्यान रखना है, दूसरी टिप्स है कि मसाले को आप खड़े मसाले को डालिए, उसके बाद उसको 2 मिनट ऐसे ही रखें, फिर अदरक डालिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे 1 चम्मच इतना चाय ले रही हूँ और 3 चम्मच मैं यहाँ पर शुगर ले रही हूँ। ये जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट है, ना ही तो चाय आपकी ज़्यादा मीठी बनेगी ना ही फीकी बनेगी, ये परफेक्ट है, बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर आपको ज़्यादा मीठी है तो इस हिसाब से शुगर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और चाय आपको कितनी कड़क चाहिए उस हिसाब से ये परफेक्ट मीडियम रहेगी, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं बनेगी, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो इस हिसाब से आप पानी को 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे बॉयल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं असर अच्छे से उबलने लगी है और उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ जाएगा, क्योंकि हमने चीनी और चाय सबको डाल दिया है तो कलर उसका अच्छा और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। पड़ोसियों को भी पता चल जाएगा कि इसके घर में आज अच्छे से चाय बन रही है, मसाला का इतना अच्छा खुशबू आ रही है घर में। तो हमारा पानी उबलने लगा है और इससे इसके अंदर तो आप 2 से 3 4 नींबू की पत्तियां डाल के ऐसे ही पी सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं दूध के बिना। अगर कोई दूध के बिना चाय पीता है तो यहाँ पे आपको 2 से 3 नींबू के पत्ते डालने हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं 1 कप और ऊपर से थोड़ा सा 1/2 कप जितना पानी डाले, 1/4 कप जितना मैं यहाँ पे दूध डाल रही हूँ और फ्रेश से मलाई वाला मैंने निकाली नहीं है, फ्रेश दूध लिया है। अगर आपके पतली चाय चाहिए तो आप मलाई निकाल के डाल सकते हैं, मैंने यहाँ उबला हुआ दूध नहीं डाला है, फ्रेश डाला है, जिससे कि चाय हमारी गाढ़ी और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो अब इसे मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे बोलाने देंगे, इसे ही पकाएंगे चलाते चलाते, जैसे कि बाहर वाले जो हम देखते हैं वो चाय वाले वही पकाते हैं ना, उसी तरह हम पकाएंगे इस तरह से। तो ये चाय बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। और अगर आप सर्दी या आपके घर में किसी को खांसी हो तो आप यहाँ पे 3 से 4 लौंग और काली मिर्च भी डाल सकते हैं, जिससे कि उसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और आपकी चाय अच्छी बनेगी। तो 3 से 4 मिनट दूध डालने के बाद उबालेंगे, 3 से 4 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले पानी को भी पकाया था तो हमारी चाय ऑलमोस्ट पकने आई है। 4 मिनट में तो बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी और आप देख सकते हैं कलर भी इतना अच्छा है और आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी है, बहुत ही अच्छी बन के तैयार होने वाली है हमारी चाय। और खुशबू तो बात ही मत पूछो, इतनी अच्छी आ रही है घर में, बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। तो ऑलमोस्ट हमारी चाय बन के तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट बनी है, कलर और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बना। लास्ट में हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे, तो इस हिसाब से आप बनाएंगे ना चाय तो आपकी चाय कभी नहीं बिगड़ेगी, बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। अभी लास्ट में एक इंग्रेडिएंट्स बाकी है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना,
और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस तरह से हम पकाते रहेंगे, चाय बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, पक जाए, इसके बाद ही हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट लास्ट में डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे, उसको लास्ट में ही डालना है। और कैसे डालना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो हमारी चाय पक चुकी है, अब डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 पुदीना की तिरखी ली है, डालिया ली है। जो आपके घर में फ्रेश पुदीना है तो इस तरह से आप लेकर धोकर साफ करके फिर उसे चाय में डाल के डिप करके इसे हिला देना है। उसको अंदर डाल के उबालना नहीं है, सिर्फ डाल के निकाल लेना है। फिर भी ये पुदीना की पत्तियों का जो फ्लेवर है ना, इन्हेंस हो जाएगा चाय में, बहुत ही खुशबूदार चाय बनके रेडी हो गई हमारी। तो अब हम इसे कप में सर्व कर देते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है वो भी मुझे वीडियो में ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो हमारी चाय रेवन के रेडी हो चुकी है, टपरी वाले जैसी, जो टपरी वाले हम इस कप में देते हैं ना, उसी हिसाब से हमारी चाय बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। और पुदीना के फ्लेवर बहुत ही अच्छी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी वो भी बताना। फिर मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।